हाय फ्रेंड, आईडी सर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम उत्तल और अवतल दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। इसके द्वारा किस तरह से प्रतिबिंब बनते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है इसको भी पढ़ेंगे। यदि आपने कहीं पर भी उत्तल और अवतल दर्पण को पढ़ा है, यदि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ है तो आज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और एग्जाम में इससे कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। इसका एक पार्ट पहले वाले बना दिया गया है, आप उसको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और इसका अगला पार्ट न्यूमेरिकल उत्तल और अवतल दर्पण का अगले पार्ट में बना दिया जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं उत्तल और अवतल दर्पण क्या होता है। जैसे आपने पहले पार्ट में पढ़ चुके होंगे, ये क्या होता है, उत्तल दर्पण, और दूसरा है अवतल दर्पण। हम बताए थे उत्तल दर्पण में परावर्तक सतह क्या होता है, उभरा हुआ होता है, या ऐसे भी कह सकते हैं परावर्तक सतह बाहर की तरफ वक्रित होता है, ठीक है। और ये अवतल दर्पण में अंदर की तरफ, परावर्तक सतह अंदर की तरफ धंसा हुआ होता है, अंदर की तरफ वक्रित होता है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछता है कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। देखो, प्रतिबिंब भाई दो ही प्रकार के बनते हैं, या तो प्रतिबिंब हमारा वास्तविक बनता है या तो आभासी। आभासी प्रतिबिंब को ही काल्पनिक प्रतिबिंब कहा जाता है। देखो, दो ही प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, एक बनता है आभासी प्रतिबिंब बनता है और एक बनता है इसी को काल्पनिक भी बोला जाता है, एक बनता है वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, पहला प्रतिबिंब बनता है आभासी, दूसरा बनता है वास्तविक। जब दोस्तों आभासी प्रतिबिंब बनता है, देखो आभासी में सी लगा है कि नहीं, तो यहाँ क्या हो जाता है, सीधा। यानी जब भी आभासी प्रतिबिंब बनेगा तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, सीधा। जब आभासी में सीधा बनेगा तो वास्तविक में कैसा बन जाएगा, उल्टा। इस बात को आप दिमाग में बैठा लिए, अगर आभासी है तो सीधा होगा, अवास्तविक है तो उल्टा। अभी हम आपको समझा दे रहे हैं कि कहाँ आभासी बनेगा कहाँ वास्तविक बनेगा। आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब देखो, जो हमारा उत्तल दर्पण होता है, अब इसमें क्या होता है, अभी इसकी कुछ परिभाषाएं होती हैं, आगे डिस्कस करेंगे, पहले समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है, जो अनंत से प्रकाश की किरणें आती हैं, ठीक है, अनंत से प्रकाश की किरणें आती है, इसको क्या करते हैं, यहां से परावर्तित होके फैल जाती हैं। देखो, यहां से प्रकाश की किरणें आई, यहां से टकरा के परावर्तित होके क्या हो गई, फैल गई। अभी क्या करें, अब इनको पीछे ले जाके क्या कर देते हैं, मिला देते हैं डॉट डॉट में। अब यहां जहां पर ये मिलेंगे यहीं पर प्रतिबिंब बनेगा, यानी इनका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है, तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है, आभासी, क्योंकि रियल में नहीं बन रहा है, इनको डॉट डॉट द्वारा मिला के बनाया जा रहा है, तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी बन रहा है, इसीलिए कैसा प्रतिबिंब बनेगा, सीधा भी बनेगा, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनेगा। और इसमें क्या होता है, मुख्य अक्ष बोला जाता है, इसमें प्रकाश की किरणें आती हैं और टकरा के एक बिंदु पे केंद्रित हो जाती हैं, एक बिंदु पे केंद्रित हो जाती हैं। अब दर्पण की इधर ही बन रहा है, तो इसके द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनेगा, वास्तविक बनता है। अगर वास्तविक बनेगा तो क्या बनेगा, उल्टा बनता है। वास्तविक के साथ क्या ऐसा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा बनेगा। ये हमें समझ में आ गया कहाँ प्रतिबिंब बनेगा। अब देखो, इसमें क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किस दर्पण को अपसारी दर्पण कहा जाता है, किसको अभिसारी दर्पण कहा जाता है। अब यहां पर देखो क्या, प्रकाश की किरणें फैल रही है कि नहीं, यानी फैलने को क्या बोलेगा, अपसारी, इसका नाम है क्या, अपसारी। इसीलिए उत्तल दर्पण को क्या बोला जाता है, अपसारी दर्पण। ये क्या करता, प्रकाश की किरणों को फैला देता है, इसीलिए इसको अपसारी बोला जाता है, डाइवर्जिंग मिरर बोला जाता है, डाइवर्जिंग मिरर। देखो ये क्या कर रहा, प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित कर रहा है, इसीलिए इसको अभिसारी मिरर बोला जाता है, अभिसारी दर्पण। कैसा दर्पण बोला जाता है, अभिसारी, यानी इसको कन्वर्जिंग मिरर बोला जाता है। कन्वर्जिंग मिरर दोस्तों, अब हमें पता चल गया कि उत्तल दर्पण को हम अपसारी दर्पण बोलते हैं, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण बोलते हैं।
अब इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है? ठीक है, यदि उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ पर किया जाएगा भाई, जहाँ पर प्रकाश की किरणों को क्या होता है, फैलाना होता है, वहाँ पर हम किस दर्पण का प्रयोग करेंगे? उत्तल दर्पण का। तो देखो इसको समझ लेते हैं, जैसे आप देखे होंगे जो ट्रक होता है या बस होता है उनका साइड मिरर, ठीक है, साइड मिरर में हमें क्या होगा, बहुत दूर की वस्तुएं भी क्या होता है देखना होता है, यानी वहाँ क्या होगा प्रकाश की किरणों को फैला के देखना होता है, इसीलिए जो साइड मिरर में होता है, हमारे साइड मिरर में किसका प्रयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण में, यानी जो पश्च दर्पण होता है, पश्च दर्पण या साइड मिरर में हम किसका प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का। लेकिन वहीं पर जो हमारा होता है हेडलाइट होता है, हेडलाइट का काम क्या है भाई, रोड पे आप चल रहे हैं, आप चाहेंगे जो उसका प्रकाश होगा वो सीधे एक बिंदु पे सड़क पे फोकस करे, आप नहीं चाहेंगे ना कि सड़क के चारों तरफ फैले, ठीक है, तो अब क्या चाहेंगे, प्रकाश सीधे एकदम रोड पे पड़े जिससे वो सामने की कोई भी वस्तु है वो हमें दिखाई दे, तो इसमें क्या करेंगे, प्रकाश के एक बिंदु पे केंद्रित करेगा कि नहीं, तो ऐसे दर्पण में कहाँ इसका प्रयोग करेंगे, अवतल दर्पण का हेडलाइट में जो सामने होता है उसका प्रयोग हेडलाइट में किया जाता है, किसका, अवतल दर्पण का, ठीक है। और जैसे होते हैं जो डॉक्टर होते हैं, जैसे कान के डॉक्टर हो गए, नाक के हो गए, आँख के हो गए, ये सब डॉक्टर क्या करते हैं, किस दर्पण का प्रयोग करते हैं भाई, वो थोड़ी नहीं चाहेंगे उनको कान में देखना है, तो चाहेंगे प्रकाश एक बिंदु पर केंद्रित हो, इसीलिए जो वो डॉक्टर लोग क्या करते हैं, किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल। ये बहुत पूछता है कि जो कान के डॉक्टर होते हैं या आँख के डॉक्टर होते हैं या नाक के डॉक्टर होते हैं वो किस प्रकार के दर्पण प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। यही जो डॉक्टर होते हैं, नाक कान और आँख या गले का भी होते हैं, ये सब किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसके द्वारा किस तरह प्रतिबिंब बनता है ये भी आपको पता चल गया है। अच्छा देखो क्वेश्चन अभी पूछा जाता है कि जैसे इसमें उत्तल दर्पण में तो सेम होता है कि यदि वस्तु को एक कहीं पर भी रखो तो जो हमारा प्रतिबिंब है ध्रुव और ये फोकस के बीच बन जाता है, लेकिन अवतल दर्पण में क्या होता है, इसके लिए 6 कंडीशन होती है, तो आइए उसको देखते हैं। तो अब इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि अगर वस्तु को यहाँ पर रखे जाए तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो भाई उत्तल दर्पण में तो फिक्स है, आप कहीं पे भी रखे वस्तु तो एक ही पॉइंट पे बनता है, लेकिन अवतल दर्पण में ऐसे नहीं होता, वहाँ अलग अलग कंडीशन होता है। तो आइए उसको समझने से पहले कुछ ये जान लेते हैं इसके छोटे छोटे परिभाषाएँ जो बहुत उपयोगी होती हैं। जैसे क्या हो गया हमारा उत्तल दर्पण हो गया भाई, ये गोला है और इसका एक क्या हो जाएगा, परावर्तक सतह हो जाएगा, आप गोला ही समझिएगा, इसका क्या हो जाएगा, परावर्तक सतह हो जाएगा। तो इसमें पहला पॉइंट आता है कि ध्रुव क्या होता है, तो जो परावर्तक सतह, यही हमारा परावर्तक सतह का मध्य बिंदु, ध्यान से क्वेश्चन देखो, कह रहा परावर्तक सतह का मध्य बिंदु को हम क्या बोलते हैं, ध्रुव बोलते हैं, और इसको P से प्रदर्शित किया जाता है, परावर्तक सतह के मध्य बिंदु को हम ध्रुव बोलते हैं, इसको हम पोल भी कहा जाते हैं, इसको पोल बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में इसको ध्रुव बोलते हैं, और इसे P से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। अब देखो जो ये हमारा दर्पण है, जो हमारा दर्पण का परावर्तक सतह है, ये किसी एक गोले का भाग है कि नहीं, ये एक गोले का भाग है, तो गोले के केंद्र को ही हम वक्रता केंद्र बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र, क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और जो ये जो हमारा परावर्तक सतह है, ये गोले की एक भाग है, तो इस गोले की जो त्रिज्या होती है, ठीक है, इस गोले की जो त्रिज्या होती है ये क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है, क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या, क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या या रेडियस ऑफ कर्वेचर। और उसके बाद ये जो
वक्रता त्रिज्या को हम आर से प्रदर्शित करते हैं और वक्रता केंद्र को सी से, इसको सी से प्रदर्शित करेंगे, इसको आर से। और जो ये पोल होता है, जो ये पोल होता है ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी ही उसका क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। इसी तरह इसमें क्या हो जाएगा, ये मध्य बिंदु है, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, इसके ये ध्रुव कहलाएगा, प्रावर्तक सतह का मध्य बिंदु क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा। इसका वक्रता केंद्र कहलाएगा, इसकी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, इसका मध्य बिंदु क्या कहलाएगा, इसकी फोकस कहलाएगी, ठीक है। तो ये परिभाषा इसके हम जान चुके। और यदि हम ये ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या पर एक काल्पनिक रेखा यहाँ पर ड्रा करें, ठीक है, यहाँ पर एक हम काल्पनिक रेखा खींचें, तो इस काल्पनिक रेखा को ही मुख्य अक्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस बोला जाता है इसको। तो हम इसकी परिभाषा को जान चुके, आइए इससे प्रतिबिंब किस तरह बनता है देख लेते हैं। दोस्तों एग्जाम में आता है उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कहाँ पे बनते हैं, तो आपको एकदम याद कर लेना है, जो हमारा उत्तल दर्पण होता है, क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है, ये किसका क्या होगा, पोल होगा, ध्रुव होगा, इसका क्या होगा, वक्रता केंद्र मान लेते हैं, क्या है, फोकस, ठीक है। तो जो उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ये ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। कहाँ बनता है, ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है, ध्रुव व फोकस, फोकस के बीच बनता है, ठीक है, ध्रुव और फोकस के बीच बनता है। अभी बताएं ये क्या होगा, डॉट डॉट लाइन से मिलाते हैं तो कैसा प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है। कैसा बनता है, आभासी बनता है, आभासी के साथ क्या बनेगा, सीधा बनेगा। आप इतना याद रख लीजिए या रट लीजिए कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी सीधा ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है, चाहे वस्तु कहीं पर भी रखे, ठीक है, चाहे वस्तु कहीं पर भी रखे, हमेशा प्रतिबिंब ध्रुव और फोकस के बीच बनता है, आभासी बनता है और सीधा बनता है। प्रॉब्लम यहाँ आती है अवतल दर्पण में, तो इसके लिए एक ट्रिक बता रहे हैं जिसको दो मिनट में आप पता कर सकते हैं कि इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा। आइए देखते हैं उस ट्रिक को। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं। ये क्या हो जाएगा, इसका ध्रुव हो जाएगा, और ये मान लेते हैं इसका ये क्या है, वक्रता केंद्र है, और ये क्या है, इसका फोकस है, और मान लेते हैं ये कि हमारा अनंत बिंदु है। कौन सा बिंदु है, अनंत, कौन सा बिंदु है, अनंत बिंदु है, ठीक है। तो देखो इसमें एक बार अनंत पे वस्तु रखा जाता है, कहाँ पे रखा जाता है, अनंत पे रखा जाता है, और अगली कंडीशन होता है वक्रता केंद्र से कुछ दूरी पे रखा जाता है, या कह सकते हैं अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाता है, ठीक है। उसके बाद कहाँ पे रखा जाता है, फिर वक्रता केंद्र पे रखा जाता है, फिर वक्रता केंद्र तथा फोकस पे रखा जाता है, फिर फोकस पे रखा जाता है, फिर फोकस और ये ध्रुव के बीच में रखा जाता है, यानी कितनी जगह पे रखा जाता है, बस तो छह जगह पे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। देखो अवतल दर्पण में, भाई अवतल दर्पण में प्रतिबिंब याद करना थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन आप इस ट्रिक को देखने के बाद आपका कोई कन्फ्यूजन, जो भी कन्फ्यूजन होंगे मिट जाएंगे। अवतल दर्पण में वस्तु को कितने जगह पे रखा जाता है, 6, यानी कहाँ पे, देखो पहले इसका समझ लो, जगह का नाम क्या है, जहाँ पे हम वस्तु रख रहे हैं, पहले कंडीशन है कि हम कहाँ पे वस्तु रख रहे हैं, अनंत पे, और दूसरा कंडीशन है अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच में रख रहे हैं, या वक्रता केंद्र से परे, ऐसे भी लिखा रहा था, वक्रता केंद्र से परे, परे मतलब क्या होता है, दूर, वक्रता केंद्र से दूर रखते हैं। तीसरा कंडीशन कहाँ होता, हम वक्रता केंद्र पे रखते हैं। चौथा होता है वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच वस्तु को रखते हैं। फिर पांचवा कंडीशन होता है वस्तु को हम फोकस पे रखते हैं, और छठवा कंडीशन होता है फोकस तथा कहाँ पे रखते हैं, ध्रुव के बीच में रखते हैं। अब इसमें भाई देखो हम बताए हैं कि प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, इसी साइड बन जाता है, तो कैसा प्रतिबिंब बनता है, इसका वास्तविक बनता है,
वास्तविक, और वास्तविक साथ कैसे बनेगा, उल्टा बनता है। तो देखो ये भाई पांच कंडीशन में बनता है, कितने, पांच कंडीशन में वास्तविक और उल्टा बनता है, लेकिन एक कंडीशन ऐसा आता है ये आभासी और सीधा बन जाता है। कैसा बन जाता है, आभासी, और आभासी के साथ क्या बनेगा, सीधा, एक कंडीशन आएगा। अभी आपको बता रहे हैं कैसे आप याद करेंगे, बस क्या करना है, जैसे मार्क किए हो तो मार्क यहाँ से कर लो, एक दो तीन चार और पाँच। अब देखो यदि वस्तु हम अनंत पे रख रहे हैं, कहाँ पर, वस्तु अनंत पे रख रहे हैं, तो एक का कोड कहाँ पे मिलेगा, एक पे, यानी यदि वस्तु हम अनंत पे रख रहे हैं तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, फोकस पे। पहला है यदि वस्तु अनंत पर रखे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर, कहाँ बनेगा, फोकस पर। और दूसरा यदि अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखें, यदि अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच वस्तु को रखें तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, देखो दो का कोण कहाँ है भाई, ये दो है, दो का कोण कहाँ मिल रहा है, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच, ठीक है। देखो दो का कोण कहाँ, दो मिल रहा है, यानी अगर हम वक्रता केंद्र से परे या अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखें तो हमारा प्रतिबिंब वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच बनेगा, ठीक है। तीसरा कंडीशन होता है, देखो तीन का कोण तीन मिल जा रहा कि नहीं, यदि हम प्रतिबिंब, यदि वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, वक्रता केंद्र पे ही बनेगा, वक्रता केंद्र पे हम रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है, ठीक है। और यदि हम वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखते हैं, लिखने की जरूरत नहीं आप समझ जाएंगे, यदि हम वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच वस्तु रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र से परे, यानी अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। यदि हम वस्तु को फोकस पे रख रहे हैं, कहाँ पे रख रहे हैं, फोकस पे रख रहे हैं, तो हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा। आपका पांच कंडीशन क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब देखो जब हम ये फोकस और ध्रुव के बीच वस्तु को रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, कहाँ बनता है, दर्पण के पीछे बनता है, कहाँ पे बनता है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। देखो अगर हम, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, अगर दर्पण के पीछे रख, सॉरी यदि हम वस्तु को फोकस तथा ध्रुव के बीच रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, और दर्पण के जब पीछे बनेगा तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, आभासी बनेगा, आभासी के साथ कैसे बनता है, सीधा बनता है। यानी जब ये छठवां कंडीशन ही होता है, यदि हम वस्तु को कहाँ पे रखें, एफ तथा पी के बीच रखते हैं तो हमारा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आभासी और सीधा बनता है। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, और आपको रटने की जरूरत नहीं, इस डायग्राम के माध्यम से आप इसको एक खींच के दो मिनट में आप समझ सकते हैं, और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से किस तरह न्यूमेरिकल लगाते हैं ये अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। अगर आइए ये टॉपिक आपको समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। धन्यवाद।